हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करने के वो बेस्ट तरीके जिन्हें यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और एंजॉय द शो, क्योंकि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हाई स्पीड ब्राउजिंग की, हमारा सिस्टम फास्ट है, हमारा इंटरनेट फास्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज सबसे फास्टेस्ट ब्राउज़र है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम कंपैरिजन करें क्रोम, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, जितने भी ब्राउज़र्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द फास्टेस्ट वन। चाहे तो आप बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है पिन वेबसाइट टू टास्क बार। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, मेल हो, गूगल हो या कोई सा भी। तो आप डायरेक्टली पिन टू टास्क बार ऑप्शन को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एज से आप टास्क बार में एक ऑफिशियल आइकन के साथ एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप जब भी वो चाहें वो डायरेक्टली एक सेकेंड में खुल जाएगा आपके पास। तो यह है सबसे पहला फीचर इस माइक्रोसॉफ्ट एज का। अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर की, तो फुल स्क्रीन स्केलिंग एज। अब ये क्यों है, क्या है, किस लिए, तो जान लीजिए, ये फीचर नया नहीं है, ये हर ब्राउज़र में होता है, लेकिन इसकी मदद से आप फुल स्क्रीन व्यू ले सकते हैं पूरे वेबसाइट का आसानी से, बड़े ही इजीली। लेकिन ये फीचर बेसिकली नेटबुक, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वबुक और इन सब के लिए, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टूल्स के साथ एनहांसमेंट क्रिएटिविटी मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन फीचर जो है वो है सेपरेट बुकमार्क्स। बुकमार्किंग कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए ये थोड़ा अलग है। आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं नए फोल्डर की तरह, जैसे कि आप टेक के वेबसाइट रिलीज़ कर देख रहे हैं तो आप उसके लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं, शॉपिंग के कर रहे हैं तो शॉपिंग के लिए, फूड के लिए, इस तरह से जितनी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और अपने फेवरेट वेबसाइट्स का बुकमार्क उसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से आप सर्व करेंगे ईजिली। न्यू टैब्स मैनेजमेंट, गाइस और लिमिट नहीं होती, हम अपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स जो हैं सर्व करते हैं, गूगल हो, याहू हो, मेल हो, जितने भी हो, ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम के बाद आपका ऊपर का जितना भी टास्क टैब है वो सब भर जाता है। तो आप आसानी से एक क्लिक से उन्हें हाइड कर सकते हैं ताकि आपके पास एक फ्रेश न्यू टैब हो जिस पर आप सर्व कर सकें और पुराने वालों को आसानी से क्लिक करते ही रिस्टोर कर सकें। तो ये है दूसरा बेस्ट फीचर। अब अगर हम फाइनल फीचर की बात करें, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो है पीडीएफ रीडर। आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एज है तो आपको किसी भी पीडीएफ रीडर की ज़रूरत नहीं, चाहे आप एडोब एक्रोबैट यूज़ कर रहे हो, फॉक्सिट कर रहे हो इससे पहले, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ रीडर इंप्लीमेंट है। आप उसको हाईलाइट करके उसके बारे में कॉर्टेना से पूछ सकते हैं, आप उसे ड्रॉ आउट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कलर से, उस पर कुछ भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से और शेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट रीज़न माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करने के। आई होप आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट एज को ट्राई करें, क्योंकि ये फास्ट है, सिक्योर है, पर्सनलाइज्ड है और बेस्ट है मेरे ओपिनियन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस चैनल। आई विल कैच यू गाइज इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।